हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। बिफोर वी रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? सो हमसे पूछा गया है कि हम अपने आसपास के लोगों को जज कैसे करते हैं, उनकी मनी देख के, उनकी वेल्थ देख के, या उनकी पोजेशंस देख के, या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जिसको देख के हम एक पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं या फिर हम उसको जज करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। तो ये जो स्टोरी है ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। इसमें क्या बताया गया है कि कैसे एक पुअर यंग गर्ल है, ठीक है, जो पुअर है, उसको कैसे उसके क्लासमेट्स जो है वो जज करते हैं। वांडा पेट्रोव्स्की, सो वो जो यंग गर्ल है उसका नाम है वांडा पेट्रोव्स्की। ठीक है, इज अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन अ अमेरिकन टाउन। सो वांडा पेट्रोव्स्की जो है वो एक पोलिश गर्ल है। ठीक है, पोलिश गर्ल मतलब पोलैंड की है। पोलैंड कहाँ पे? यूरोप में। ओके, सो वो अभी अमेरिका में है। ओके, जो स्कूल जाती है दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन टाउन में। ओके, दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? सो जो दूसरे लोग हैं, दूसरे बच्चे हैं उसी क्लास के, वो वांडा को डिफरेंट ट्रीट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। और क्या बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वो दूसरे बच्चे वांडा को डिफरेंट ट्रीट करते हैं? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। सो अब ये जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है ये पॉलिश कम्युनिटी के बारे में, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में है। ठीक है, आप इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया किसी बुक में पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट में भी इसके इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। ठीक है, द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कौन से लोग होते हैं पॉलिश अमेरिकन? द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी when more than 1 million Poles migrated to United States. So, जो first Polish immigrants थे, immigrants का मतलब होता है जो अपना देश छोड़ के, जैसे पोलैंड छोड़ के ये लोग अमेरिका चले गए थे। ठीक है, तो ये Polish immigrants हो गए। ओके, वो अमेरिका कब गए? 1608 में। बट जो largest wave थी Polish immigration, wave मतलब जो काफ़ी बार जाते थे लोग, पर जब एक बार सबसे ज़्यादा लोग, पॉलिश लोग अमेरिका गए, वो कब हुआ? इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी कब हुई? 20th सेंचुरी हुई 1900 से 2000 तक। सो अर्ली मीन्स 1910 हो सकता है, तो अर्ली टाइम में। ठीक है, व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस टाइम पे मीन्स अर्ली 20th सेंचुरी में 1 मिलियन से ज़्यादा पोल्स यहाँ पे पॉलिश पीपल को बोला गया है, माइग्रेट कर गए USA, ठीक है, अमेरिका। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी। अब उस टाइम पे कोई पॉलिश स्टेट तो थी नहीं, ठीक है, सो जो इमिग्रेंट्स थे, मतलब कि जो पोलैंड से अमेरिका गए, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था? उनके ओरिजिन से, ठीक है, रादर देन उनकी एथनिसिटी देख के, मतलब उनकी जाति देख के नहीं, बट कि उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन देख के, कहाँ से हैं वो लोग। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। सो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये रशियन पोल्स है। पोल्स मतलब अगेन पोलिश पीपल। सो ये रशियन है, ये जर्मन है, ये ऑस्ट्रियन है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सो सबसे बड़ी अमेरिकन पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो कहाँ पे है? अमेरिका शिकागो में और इसके सबर्ब्स में। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड।
सो शिकागो जो है उसको कभी कभी बोला जाता था कि वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी है वर्ल्ड में, ठीक है। वॉर्सो जो है वो फर्स्ट है, वॉर्सो क्या है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। सो वॉर्सो जो फर्स्ट पॉलिश कम्युनिटी है और सेकेंड लार्जेस्ट है शिकागो, ओके। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। सो अमेरिका में कभी कभी ये जो पोलिश अमेरिकन्स हुए, जो पोलैंड से आए अमेरिका, उनको कभी कभी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। जैसे कि आयरिश लोगों को, इटालियन लोगों को और ज्यूज को किया जाता था, ऐसे ही पोलिश लोगों को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसिस, 667,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 इयर्स एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, विच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। सो अब यूनाइटेड स्टेट्स के सेंसिस के अकॉर्डिंग, 2000 सेंसिस के अकॉर्डिंग 667,000 अमेरिकन जो थे 5 साल के या उनसे ऊपर वाले, उनको रिपोर्ट किया गया कि वो पोलिश जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं अपने घर पे, ठीक है। सो ये जो नंबर है ये कितना है, दिस इज अबाउट, ये 1.4% है उन लोगों का जो लोग बोलते थे अदर देन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज बोलते थे उनका 1.4% है 667,000 लोग जो कि पोलिश बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, यूएस में जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/4% है ये, ओके, जो लोग पोलिश बोलते हैं। अब ये स्टोरी स्टार्ट होने वाली है जिसमें हमें पता लगेगा कि जो वोंडा पेट्रोंस्की है उसके साथ दूसरे बच्चे कैसे ट्रीट करते थे। वोंडा जो है वो एक पोलिश गर्ल है और दूसरे बच्चे अमेरिकन है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं। टुडे मंडे, वोंडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन सीट, बट नोबडी, नॉट इवन पेनी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। सो आज कौन सा दिन है, आज है मंडे, ओके। और वोंडा पेट्रोंस्की, वोंडा आपको नेम याद रखना है और आज का दिन भी। सो आज दिन है मंडे और वोंडा पेट्रोंस्की जो है वो अपनी सीट पे नहीं है, मतलब क्लास में जो सीट है उसकी उस पे नहीं है। और पेगी और मैडलिन, ये दोनों गर्ल्स जो है वो उसी क्लास में ही हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि इन दोनों गर्ल्स ने भी उस पे ध्यान नहीं दिया जिन्होंने, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिसने ये सारा मजाक स्टार्ट किया था, उन दोनों ने भी वोंडा पेट्रोंस्की को मतलब नोटिस नहीं किया कि वो क्लास में नहीं है, ओके। यूजुअली वोंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13, ओके। तो अब ये रूम नंबर 13 है, जैसे स्कूल में रूम के नेम्स होते हैं, सो ये रूम नंबर 13 है। और वोंडा जो है यूजुअली कहाँ बैठती थी, जो बिल्कुल लास्ट की रो होती थी, कोने की रो, उसके भी लास्ट बेंच पे, ओके, बिल्कुल कोने पे बैठती थी वोंडा। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। अब वो उस कॉर्नर पे बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज कौन होते हैं, जो थोड़े मीन्स जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते या बहुत मजाक करते रहते हैं, अच्छा ध्यान नहीं देते क्लास में, वो लोग जहाँ पे बैठते थे वो वहाँ पे बैठती थी, ओके। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। अब वो जो कॉर्नर था उस रूम का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट होती थी, मतलब क्या होता था, नॉइजी मतलब आवाज़ें निकलती थी या ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, मीन्स अपने शूज से ग्राउंड पे आवाज़ करते रहते थे, तो उस कॉर्नर पे वो आवाज़ें होती रहती थी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें किसकी आती थी, लाफ्टर की, हंसी की आवाज़ें आती थी और सब लोग मजाक करते रहते थे, ठीक है। और वहाँ पे उस कोने पे मड और डर्ट, मिट्टी और कीचड़ भी होती थी उस साइड ऑफ द फ्लोर पे, ओके। सो वोंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब वोंडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वो रफ़ है या फिर वो नॉइजी है, On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. But इसके opposite, means इसके opposite क्या था,
वो बहुत ही एक क्वाइट गर्ल थी, ठीक है, चुपचाप रहने वाली गर्ल थी जो बहुत ही कम कुछ कहती थी. ओके, एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको बहुत ही तेजी से हंसते हुए नहीं देखा था, सुना था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. और कभी कभी वो अपना माउथ जो है वो एक अजीब से तरीके से, एक क्रूकेड मतलब अजीब से तरीके से बस हंसती थी, बट इतना ही करती थी, वो ज्यादा तेज की नहीं हंसती थी. कौन? वांडा पेट्रोव्स्की. नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट, अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंस हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. अब किसी को भी ये नहीं पता था कि वांडा जो है वो उस सीट पे, मीन्स उस कॉर्नर की सीट पे क्यों बैठती थी. और मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बॉगिंस हाइट्स, तो ये जगह भी हमें याद रखनी है, बॉगिंस हाइट्स से आती थी और उसके फीट जो है वो हमेशा केक्ड विद ड्राई मड होते थे. केक बिल्कुल सने हुए, बिल्कुल भरे हुए होते थे, किससे? कीचड़ से भरे हुए होते थे. तो सबको लगता था कि इसलिए वो उस कॉर्नर पे बैठती है. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोव्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. अब एक बार जब वांडा उस कॉर्नर पे बैठ जाती थी तो किसी को भी उसके बारे में, मीन्स कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था. द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, एट नो टाइम वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगैन. वेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री गर्ल्स और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन द वे टू द स्कूल यार्ड. अब कौन से टाइम पे वो उसके क्लासमेट्स जो है वो वांडा के बारे में सोचते थे, वो कौन सा टाइम था? आउटसाइड द स्कूल आवर्स, जब वो स्कूल आ रहे होते थे, ठीक है, या फिर जा रहे होते थे एट नून टाइम, मतलब दोपहर के समय जब वो वापस जा रहे थे या फिर स्कूल आ रहे थे मॉर्निंग में, इस टाइम पे उनको वांडा की याद आती है. जब दो या तीन लोगों का ग्रुप्स या फिर उनसे ज़्यादा लोगों का ग्रुप्स बातें करते थे और हंसते थे जब वो वापस जाते थे टू द स्कूल यार्ड. स्कूल यार्ड क्या होता है? मीन्स आउटसाइड स्कूल, आउटसाइड एरिया ऑफ द स्कूल, वहाँ पे जब वो लोग जा रहे होते थे या आ रहे होते थे तब उनको वांडा की याद आती थी. ओके, देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. सो कभी कभी वो लोग वांडा का वेट करते थे वहाँ पे ताकि वो उसके साथ मजे कर सके, मतलब टू हैव फन विद हर, मतलब मजाक कर सके उसके साथ. Okay. The next day, Tuesday, Wanda was not in the school either, and nobody noticed her absence again. अब first day Monday था, second day was Tuesday. तब भी Wanda जो थी वो school में नहीं थी और किसी ने फिर से, मतलब किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया फिर से. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that not Wanda was not there. अब वेंसडे को जो थर्ड डे था तो पेगी और मैडी, यहाँ पे पेगी था एंड मैडी मीन्स मैडलिन, जो हमें ऊपर भी नेम बताया गया था, जो कहाँ पे बैठते थे? फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, और इन दोनों के अच्छे मार्क्स आते थे तो इन्होंने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया था, ठीक है. सो हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर. अब इन्होंने ध्यान दिया कि वांडा तो है ही नहीं. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. अब पेगी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में. शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. अब वो प्रिटी थी, मीन सुंदर थी, उसके पास काफ़ी सारे क्लोथ्स थे और उसकी हेयर जो है वो कर्ली थी. ओके, पेगी के. एंड मैगी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैगी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. अब आज वेंसडे को थर्ड डे पेगी और मैडी ने वांडा पे ध्यान दिया कि वो नहीं है. वो क्यों ध्यान गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, कि वांडा की वजह से वो लोग स्कूल आने में उनको देरी हो गई. अब वो क्या रीज़न था? They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. अब वो कहते हैं कि उन्होंने Wanda का बहुत ज़्यादा वेट किया ताकि वो उसके साथ फन कर सके, ठीक है, उसका उसके मज़े दे सके उसके साथ. But she just hadn't come, but वो आई ही नहीं. So ये reason उन्होंने दिया कि Wanda की वजह से वो स्कूल आने में लेट हो गया. They often waited for Wanda Petrovsky to have fun with her.
वो काफ़ी बार वोंडा का वेट करते हैं ताकि वो उसके साथ मजाक कर सके. ओके, वोंडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. अब हमें बताया गया है कि रूम नंबर 13 में ज़्यादातर लोगों का इस तरीके का नाम नहीं था. दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, इस तरह के नेम्स थे वहाँ पे. देर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज. अब एक लड़का था उनकी क्लास में जिसका नेम था विली बाउंस. ओके, लोगों को वो फनी लगता था, बट इतना फनी लगता था जितना पेट्रोंस्की लगता था, वोंडा पेट्रोंस्की लगता था. ओके, सो वोंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. अब वोंडा के ज़्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं, ज़्यादा क्या फ्रेंड्स ही नहीं थे, सो वो स्कूल आती भी अकेले थी और जाती भी अकेले थी घर. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. अब वो हमेशा क्या पहनती थी, एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस. ओके, दैट डिडंट हैंग राइट का मतलब है डिडंट फिट प्रॉपरली. ओके, उसको ठीक से नहीं आ रही होती थी. इट वॉज क्लीन, बट वो क्लीन होती थी, साफ होती थी, बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. और ऐसा लगता था जैसे कभी भी उस पर आयरन मीन्स प्रेस जो है वो नहीं की गई है. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, बट काफ़ी सारी गर्ल्स जो थी वो उसे बातें करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ट ग्राउंड. कभी कभी जो दूसरी गर्ल्स थी वो उसको घेर लेती थी स्कूल यार्ड में, मीन्स बाहर की तरफ, और खड़े होकर देखती थी दूसरी लिटिल गर्ल्स को हॉपस्कॉच खेलते हुए. ठीक है, हॉपस्कॉच एक गेम है जिसमें चिल्ड्रन जो है वो मीन्स फ्लोर पे, ज़मीन पे स्क्वेयर्स बना देते हैं और उन पर जंप कर करके खेलते हैं. ओके, सो वोंडा पेगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन. सो वोंडा जो है वो पेगी जो है वो वोंडा से इतने कर्टियस, मतलब इतने ही अच्छे तरीके से बात करती है जैसे वो मिस मेसन जो है वो उनकी टीचर है, उनसे जैसे बात करती है इतने कर्टियस मैनर से वो वोंडा से बात करती है. वोंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ अवर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट. सो अब उसे क्या पूछती है कि तुम क्या बता रही थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी क्लोसेट में, तुम्हारी अलमीरा में. वो अपनी मीन्स वो बहुत ही प्यार से वोंडा से पूछती है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से. तो ये उसके साथ वो मजाक कर रही है, ठीक है. 100 वोंडा वुड से. सो वोंडा क्या कहती है, 100 मीन्स उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen. फिर वो कहती है 100. सो ये क्या कह रही, कौन कह रहा है, पेगी कह रही है. और दूसरी जो लिटिल गर्ल्स है incredulously, मतलब शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, मतलब कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रही थी. वो सोच रही थी तो मजाक कर रही है, ये तो झूठ बोल रही है. और जो दूसरी छोटी लड़कियां थी वहाँ पे, उन्होंने खेलना भी बंद कर दिया. वो हॉपस्कॉच खेल रही थी, वो खेलना रुक गए वो, और वो इसको बिलीव ही नहीं कर रही थी कि वोंडा के पास 100 ड्रेसेस हैं. और वो क्यों बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि हमें बताया गया था कि वोंडा जो है वो डेली एक फेरी ब्लू ड्रेस पहन के आती थी. ओके, और वो पुअर थी. या 100 ऑल लाइंड अप सेड वोंडा, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. वोंडा क्या कहती है कि हाँ 100 है, और सारी के सारी जो है लाइंड अप है, मीन्स लाइन से लगी हुई है, और उसके जो थिन लिप्स हैं वो बिल्कुल साइलेंस पे आ जाते हैं, फिर से वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती. वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पेगी. अब पेगी क्या बोलती है कि वो कैसी हैं सारी, मुझे लगता है सारी सिल्क में होगी. तो सिल्क जो है वो थोड़ा कॉस्टली आता है. सो पेगी कहती है कि वो सारी की सारी सिल्क में होगी. या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, या वेलवेट टू. फिर वो वोंडा कहती है कि हाँ सारी की सारी, या काफ़ी सारी सिल्क में है. फिर वो पेगी पूछती है कि वेलवेट में भी है, तो वो कहती है वोंडा यस वेलवेट में भी है. ओके, सो ये दोनों जो क्लोथ्स की फैब्रिक है ये महंगे आते हैं, इसलिए उन्होंने ये बोला. 100 ड्रेसेस
Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. अब Wanda ने फिर से repeat किया कि हाँ, velvet में भी है 100 dresses. Okay, और उसने कैसे रिपीट किया, नॉट शोइंग एनी फीलिंग्स, टॉलरेटली मतलब किसी कोई फीलिंग शो नहीं कर रही थी वो, और कहती है कि हाँ सारी की सारी क्लॉजेट में लाइंड अप है. ओके, देन दे वुड लेट हर गो, और फिर वो इतना मजाक करके Wanda के साथ उसको जाने देती थी. एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर. और जैसे ही वो टर्न होती थी या बहुत दूर नहीं जाती थी, वो लोग क्या करते थे, मिलके बहुत तेजी से हंसते थे. ओके, बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, बहुत तेज़ तेज से हंसते थे, क्योंकि उनको पता है कि Wanda जो है वो इतनी रिच नहीं है, फिर भी वो कह रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं ऑफ सिल्क एंड वेलवेट. इसलिए 100 ड्रेसेज, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस Wanda हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. सो पेगी क्या कहती है कि 100 ड्रेसेज की मीन्स उसके पास है ही नहीं, सिर्फ उसके पास एक ही ड्रेस है जो वो डेली पहनती है. ठीक है, सो वाई डिड शी से शी हैड 100, वट अ स्टोरी. सो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या स्टोरी बनाती है वो. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पेयर्स ऑफ शूज हैं, वो कहती है 60 पेयर्स ऑफ शूज. वो उसका मजाक बना रहे हैं अभी भी कि कैसे कैसे मीन्स वो कहानियाँ बनाती हैं. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. So वो फिर से यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, कि सारे पेयर जो है वो डिफरेंट है, सारे कलर्स भी हैं और सारे लाइन से लगे हुए हैं. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. So Peggy और Maddie, जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, यही दोनों लास्ट में जाते थे. ठीक है, who had thought up this game, ये कौन सा गेम, जो Wanda के मजाक करते थे ये गेम जो था उन्होंने सोचा था, और ये लोग सबसे लास्ट में जाते थे. इनसेपरेबल फ्रेंड थे, मीन्स दे वर बेस्ट फ्रेंड्स. फाइनली Wanda वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. फाइनली Wanda जो है वो मीन स्ट्रीट की तरफ जा रही है, उसकी आइज जो है वो मीन्स डल है, और उसका माउथ जो है वो बंद है, बिल्कुल चुप है. एवरी नाउ एंड देन मीन्स वो हर एक सेकेंड में क्या कर रही थी, अपना शोल्डर लिफ्ट कर रही थी कि जैसे कि वो अपनी ड्रेस ठीक कर रही हो. ओके, और फिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और वो अपनी वॉक फिनिश कर रही थी स्कूल तक अकेले ही. Peggy वॉज नॉट रियली क्रूअल. सो अब हमें बताया गया है कि Peggy जो है वो सच में क्रूअल नहीं है. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, और वो छोटे बच्चों को बुलीज से, बुलीज कौन होते हैं, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फाइट एंड वीकर पीपल. वो अपनी पावर का या फिर अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हैं ताकि वो जो वीक बच्चे हैं उनके ऊपर मीन्स उनको स्ट्रेंथ दिखा सके, उनको बुली कर सके. ठीक है, सो एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो काफ़ी देर तक रोती भी थी अगर वो देखे किसी भी जानवर को मिसट्रीट किया जा रहा है, तो वो काफ़ी देर तक रोती थी. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट Wanda, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूअल, बट अगर कोई उससे पूछे कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम Wanda को बहुत ही क्रूअल तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करती हो, सो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती थी और कहती थी क्रूअल Why? So why did the girl say she had 100 dresses? So क्यों वो ऐसा कह, वो क्यों सरप्राइज हो सकती थी, क्योंकि उसको लगता था कि Wanda जो है वो झूठ बोल रही है. वो ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं. Anybody could tell that was a lie. अब कोई भी कहेगा कि वो तो एक झूठ ही है. क्यों, why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. As why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. So वो क्या कहते हैं, क्या कहती है Peggy, क्या कहती है कि वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं. कोई भी ये कहेगा कि वो झूठ बोल रही है. ठीक है, और वो झूठ क्यों बोलेगी, और ये एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. Wanda जो है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. अगर वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है तो उसका नेम ऐसा क्यों है. ठीक है, तो वो ये बातें बोलती हैं. एज फॉर Maddie, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग Wanda एवरी डे हाउ मेनी dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. और Maddie जो है उसको भी ये पसंद नहीं था
कि मीन्स उसको भी ये बॉदर कर रहा था कि रोज रोज वोंडा से यही सेम पूछा जाता है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी हैट्स है, इतनी क्या चीज़ है कि सेम चीज़ें उससे रोज पूछा जाता था और ये उसको बॉदर कर रहा था मैडी को. ओके, मैडी कौन है? मैडलिन उसकी शॉर्ट फॉर्म है. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. अब हमें बताया गया है पेगी जो है वो तो बहुत रिच भी है और काफ़ी सुंदर भी है, बट मैडी जो है वो पुअर है. शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ. और ज़्यादातर वो कौन से क्लोथ्स पहनती हैं? हैंड मी डाउन. हैंड मी डाउन क्लोथ्स कौन से होती हैं? पुराने कपड़े, जैसे कि जो लोग पहन लेते हैं फिर वो डोनेट कर देते हैं, इस तरह के कपड़ों को कहते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स. तो ज़्यादातर मैडी जो है वो हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती हैं. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम. सो पेगी क्या कहती है कि थैंक गॉड कि वो बॉगिंस हाइट में नहीं रहती और उसका फनी नेम नहीं है. बॉगिंस हाइट्स क्यों कहा गया? क्योंकि वोंडा यहाँ पे रहती है और उसके नेम को भी यहाँ पे फिर से बोला गया कि उसका फनी नेम है. समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वोंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. तो कभी कभी पेगी जब वोंडा से क्वेश्चंस पूछ रही होती है इन मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, मॉकिंग मतलब यहाँ पे इस मॉकिंग का मतलब है जब किसी का मजाक बनाने के लिए हम बोलते हैं तो मॉकिंग होता है. सो मैडी को एम्बैरस लगता है और उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे मीन्स कंचे जो होते हैं वो होते हैं, तो वो उन्हीं को मीन्स देखती रहती थी और कुछ नहीं कहती थी, वो चुपचाप खड़ी रहती थी. कौन? मैडी. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. So, ऐसा नहीं था कि उसको means वो Wanda के लिए sorry feel करती है, but वो means ऐसा कहा गया है कि वो Wanda की तरफ कभी ध्यान ही नहीं करती Maddie अगर Peggy ने ये game invent नहीं किया होता. कौन सा game? The dresses game, कि कितनी dresses है तुम्हारे पास और ये. But suppose Peggy and all the others started in on her next, she wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. पर वो क्या कह रही है कि suppose अगर Peggy और other दूसरे लोगों ने भी उसके साथ ऐसा करना start कर दिया तो. फिर वो कहती है कि वो Wanda जितनी poor नहीं है, Wanda जैसी poor नहीं है, पर वो poor है. कौन? Maddie. Maddie is also poor. Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petrovsky. फिर क्या बोला गया है कि means Maddie जो है वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी. okay, कभी भी कोई उसे पूछेगा तो वो ऐसे नहीं बोलेगी. और means यहाँ पर Maddie जो है वो wish कर रही है कि काश Peggy जो है वो stop कर दे Wanda को tease करना, जो उससे वो tease करती है, उसके साथ फन करती हैं, वो बंद कर दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वोंडा. सो अब आज के दिन मीन्स वेंसडे को जब उन्हें वो लेट हो गए थे स्कूल के लिए भी, सो मैडी जो है वो खुश थी. क्यों खुश थी? क्योंकि उन्हें यहाँ पे वोंडा के साथ मजाक नहीं करना. ठीक है, शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. और वो अपना अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जो थी वो एब्सेंट माइंडेडली कर रही थी. 8 times 8, लेट्स सी, शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वोंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. सो वो एब्सेंट माइंडेडली में उसके दिमाग में क्या चल रहा था यहाँ पे मैडी के, कि काश उसमें इतनी नर्व आ सके, यहाँ पे नर्व आ सके मतलब उतनी हिम्मत आ सके उसमें कि वो पेगी को एक नोट लिख सके, क्योंकि उसको पता था कि उसमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो पेगी को डायरेक्टली बोल सके. सो यहाँ पे वो कह रही है कि वो इतनी हिम्मत चाहती थी कि वो इतना आमीज उसमें इतनी करेज आ जाए कि वो पेगी को एक नोट लिख सके. और उसमें क्या लिखेगी वो? कि हम कि लेट स्टॉप आस्किंग वोंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी है, कि शी हैज, कि हम ये बंद कर दें वोंडा से पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी. फिर जब उसने अपना अर्थमेटिक मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम जो है वो बंद करी, ख़त्म करी, सो उसने एक नोट लिखा पेगी को. शट सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. सो एकदम से वो रुक गई.
She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. So, means, एकदम से उसको क्या लगा कि अगर वो उसको बंद कर देंगे, so उसने अपने आप को picture किया कि school yard में उसको target किया जा रहा है, ठीक है, दूसरी लड़की और Peggy जो है वो उसको target कर रही हैं. Peggy might ask her where she got the dresses that she put had on. And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise. So, हो सकता है कि Peggy जो है वो उससे पूछे कि उसकी वो उसकी ड्रेसेस कहाँ से आई है, ठीक है, और फिर Maddie क्या बोलेगी कि ये तो पुरानी Peggy की ही कोई पुरानी ड्रेस है जो कि उसकी मदर ने मीन्स ट्राई किया कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें न्यू कर सके ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है, न्यू ट्रिमिंग, सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. तो वहाँ उसमें न्यू ट्रिमिंग्स करे, मीन्स उसको ऐसे ऑल्टर करे कि कोई भी उसको रिकॉग्नाइज ना कर सके कि ये मीन्स Maddie की ही, सॉरी Peggy की ही पुरानी ड्रेस है. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. सिर्फ कब मीन्स ये ख़त्म हो सकता है, जब Peggy खुद से डिसाइड करे कि उसको Wanda के साथ मीन्स फन नहीं करना. ओह वेल, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. So अब Maddie ने अपना हाथ जो था अपने छोटे बालों पे blonde hair जो थे उसमें वहाँ पे निकाला और बहुत ही uncomfortable मीन्स कि उसको लगा कि अब ये जो अनकम्फर्टेबल थॉट है कि वो मीन्स उसको नोट लिखे कि वो Wanda के साथ ऐसा ना करे, वो चला गया. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend and Peggy was the most best liked girl in the whole world. Peggy could be not possibly do anything that was really wrong, she thought. So अब Maddie ने क्या किया, वो जो नोट लिख रही थी उसको फाड़ दिया, ठीक है, और वो क्या कहती है कि Peggy जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और Peggy जो है पूरे मीन्स रूम नंबर 13 में मोस्ट लाइक गर्ल है और Peggy जो है वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती जो कि गलत हो, उसको ऐसा फिर वो ऐसा सोचती है. तो ये सब कौन सोच रहा है, Maddie. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. So अब Wanda के लिए वो एक मीन्स कि Wanda क्या है यहाँ पे, वो एक बस एक ऑर्डिनरी गर्ल है जो Boggin Heights पे रहती है और अकेले ही खड़ी रहती है स्कूल यार्ड में. शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो बहुत ही कम किसी को कुछ बोलती है. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और सिर्फ इकलौता टाइम जब वो अपनी ड्रेसेस के बारे में बोलती है वो कौन सा टाइम है, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. So Maddie को अभी भी याद है जब वो अपनी कुछ dresses के बारे में बता रही थी, कौन कौन सी, एक तो pale blue dress है, ठीक है, with colored trimmings, okay, और दूसरी dress कौन सी है, brilliant jungle green विद अ रेड सैश. सो ये दो ड्रेसेस के बारे में बताया गया है, हमें मेंशन किया गया, और ये दो ड्रेसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन. सो जब वो अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती है कि जंगल ग्रीन विद रेड सैश, तो वो उसको कहते हैं कि तुम एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी अगर तुम लोग मीन्स अगर तुम वो ड्रेस पहनोगे तो. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maggie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. So, अब Wanda के बारे में सोचते हुए और उसकी 100 dresses के बारे में भी सोचते हुए Maddie जो है वो सोचने लगती है कि जो drawing का drawing and coloring का contest हुआ था वो कौन जीतेगा. So, for the girls, this contest consisted of designing dresses and for boys, designing motorboats. So, ये जो कॉम्पिटिशन हुआ था तो गर्ल्स के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ था कि वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करेंगी और फिर बॉयज़ क्या कॉम्पिटिशन था कि वो मोटरबोट्स को डिज़ाइन करेंगे. Probably Peggy would win the girls medal. और सब लोगों को लगता है और Maddie को खासतौर पे लगता है कि Peggy जो है वो ही ये मेडल जो है वो जीतेंगे. Peggy drew better than anyone else in the room. क्योंकि Peggy जो है वो किसी और से मतलब सभी से अच्छा ड्रॉ करती थी.
एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट. और ये ही मीन्स ये एटलीस्ट ये ऐसे क्या है जो सब लोग सोचते हैं. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. वो किसी की भी पिक्चर को कॉपी कर सकती थी मैगजीन में या मीन्स कोई भी फिल्म स्टार का हेड कॉपी कर सकती थी जैसा कि वो मैगजीन में होगा. ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो. सो अब मैडी को पक्का श्योर था कि पेगी ही जीतेगी. ओके और फिर वो कहती है कि ठीक है टुमारो कल जो है वो टीचर अनाउंस करने ही वाली है और सबको पता चल ही जाएगा. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अब नेक्स्ट डे जो था वो ड्रिजलिंग हो रही थी मतलब हल्की सी बारिश आ रही थी. मैडी एंड पेगी हरेड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला. और मैडी और पेगी जो है वो स्कूल में भागते हुए जाते हैं पेगी के अम्ब्रेला के अंदर. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंस हाइट्स. Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. So, अब ऐसे दिनों पे जब बारिश हो रही होती है तो नेचुरली वो लोग वांडा का वेट नहीं करते हैं ठीक है इतनी देर तक. और इसलिए भी वो वेट नहीं कर रहे थे उस दिन क्योंकि आज का दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट था. अब क्यों इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज के दिन टीचर जो है वो उनको रिजल्ट सुनाने वाली थी. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. अब Peggy पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि Miss Mason जो है वो results announce कर देंगी आज? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you'll win, Peg. फिर जैसे ही वो अंदर घुस रहे होते हैं वो कहती हैं कि Maddie कहती है कि of course you'll win कि तुम ही जीतने वाली हो. Hope so, said Peggy eagerly. और Peggy क्या कहती है कि हाँ hope so. The minute they entered the classroom, they stopped short and gazed. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on the great sheets of wrapping paper. अब जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो रुक जाते हैं और मतलब एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि पूरे रूम्स में ड्रॉइंग्स फैली हुई थी ठीक है. हर एक विंडो सिल पे हर जगह ड्रॉइंग्स रखी हुई थी. बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स थे बहुत ही सुंदर डिजाइंस थे ठीक है. लैविश मतलब होते हैं ग्रैंड बहुत ही ग्रैंड डिजाइंस थे और सभी रैपिंग पेपर के ऊपर वो ड्रेसेस जो थी वो बनाई गई थी. दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. और वो मीन्स 100 ऑफ ड्रेसेस होंगी. ओके दीज मस्ट बी द ड्रॉइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट दे वर. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. सो अब सब लोग सोचते हैं कि ये जो ड्रेसेस है ये जो मीन्स ड्रॉइंग्स है ये मीन्स कॉन्टेस्ट की ही होंगी. और एवरीबडी सभी लोग वहाँ पे देख रहे थे रुक रुक के और सब लोग आवाज़ें निकाल रहे थे सीटियाँ मार रहे थे. ओके एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मेसन अनाउंस द विनर्स. जैक पेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज शी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटपुट मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज. सो जैसे ही सारे लोग असेंबल हुए सारे लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे मिस मेसन जो कि उनकी टीचर है उन्होंने विनर अनाउंस किया ठीक है. जैक पेगल्स जो है उसने क्या जीता था बॉयज का मीन्स जीता था जिसको मोटर बोट ज्वाइन करनी थी सॉरी डिज़ाइन करनी थी और उसकी जो एग्जीबिशन थी वो रूम नंबर 12 में की थी जहाँ पे और भी बच्चों की थी. एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. So, अब वो कहती है कि girls के लिए कि वो कहती है कि ज़्यादातर girls ने एक या दो sketches ही submit किए थे पर एक लड़की room 13 में ऐसी है जिसपे वो proud भी है बहुत ज़्यादा जिसने 100 of designs submit किए थे. Okay. So, all different and all beautiful और सभी बिल्कुल different है और सभी बहुत ही beautiful है. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. और judges की opinion में कोई भी एक drawing जो है वो इतनी means अच्छी है कि उसको winner बना सकते हैं. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. और Miss Mason जो है वो कहती है कि वो बहुत ही खुश है ये बताते हुए कि Wanda जो है वो girls की medal की winner है. ओके आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही सारी ड्रेसेस बनाई गई हैं सो ये सब वांडा की ड्राइंग्स हैं. ओके अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर. अब
अनफॉर्चुनेटली वोंडा जो है काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है. ओके और वो यहाँ पे अप्लॉज मीन्स जो उसके लिए मीन्स तालियाँ बजने वाली थी वो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे नहीं होगी. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. और सब लोग ऐसा होप करते हैं कि वो कल आ जाए. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स. अब टीचर जो है वो क्या कहती है कि ओके क्लास यू कैन फाइल अराउंड मीन्स लाइन में आप आके ये जो एग्जीबिशन है ये जो एक्सक्विजिट ड्राइंग्स है एक्सक्विजिट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड ड्राइंग्स जो है आप देख सकते हो लाइन में. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर पुट देयर फिंगर्स इन द माउथ्स एंड व्हिसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. अब चिल्ड्रन जो है वो सारे अप्लॉज करने लगते हैं तालियां बजाने लगते हैं और बॉयज जो है उनको एक और मौका मिल गया कि वो सीटियां मार सके अपने शूज से आवाज़ कर सके. ठीक है ये सब करने का वो बहुत ही खुश थे. लुक पेग विस्पर्ड मैडी देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इज़न्ट इट ब्यूटीफुल. यस सेड पैगी एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. अब यहाँ पे मैडी जो है वो पेगी को क्या कहती है कि देखो पेगी जो उसने हमें ब्लू ड्रेस के बारे में बताया था जो अंडरलाइन करी थी हमने पहले वो जो ब्लू ड्रेस के बारे में बताया था वो भी वहाँ पे है और क्या वो सुंदर नहीं लग रही. सो पेगी क्या कहती है कि हाँ वो बहुत सुंदर लग रही है और देखो वहाँ पे वो ग्रीन वाली भी है. फिर वो पेगी क्या कहती है बॉय बॉय यहाँ पे मीन्स बॉय से नहीं है ये एक एक्सप्रेशन है मीन्स कि वो जब कि उसको देख के वो अमेज्ड हो रही है. ठीक है एक्सप्रेशन है ये. सो एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ और पेगी क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ और वो वोंडा की ड्राइंग्स देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है. ओके सो दिस वाज द होल स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी. पार्ट टू के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा. ओके एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.